दोस्तों, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के लिए यूपी ट्रिपल एससी विभाग की तरफ से यहाँ पर जो मुख्य सेविका के पद हैं उनके लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। पात्रताएं आपकी क्या रहने वाली हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, ए टू जेड आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आपका ऑनलाइन अप्लाई कब से किया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। चलिए फटाफट देखते हैं। दोस्तों, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद जो इसका पीडीएफ है ओपन कर चुके हैं, उसे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है 4 तारीख को। और दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2623 पद हैं, इन पर जो है आपका जो विज्ञापन है रिलीज किया गया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर साफ दिया गया है मुख्य सेविका परीक्षा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुख्य सेविका परीक्षा ये दिया गया है और आपके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे 3 तारीख 8वां महीना 2022। 3 अगस्त से आपके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू होंगे। 24 तारीख तक आपके ऑनलाइन अप्लाई चलेंगे, यानी 21 दिन आपके ऑनलाइन अप्लाई चलेंगे। और 31 तारीख तक आप लोग लेट फीस पेमेंट कर सकते हैं, मतलब 3 से 24 तक तो आप अपना फीस पेमेंट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 24 के बाद 31 तक भी आप लोग अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं और साथ साथ करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपका उसमें फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है जिसने भी यहाँ पर पिट में आवेदन किया है केवल वही यहां पर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, यहां पर पिट में जो स्कोर है मिनिमम यहां पर 1 नंबर तो होना ही चाहिए, तभी वहां पर ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। मतलब आपका ना ही 0 होना चाहिए और ना ही निगेटिव में आपका जो है नंबर होना चाहिए। आगे दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे ऑनलाइन का सब प्रोसेस दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप लोग इसके बाद देखेंगे शुल्क दिया गया है 25 रुपये। जब दोस्तों आप लोगों को कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट होंगे जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद दोस्तों, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका एक फीस डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे 200 रुपये। 200 रुपये अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे परीक्षा के लिए, वही दोस्तों इस फीस को पे करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर जानकारी दी गई सारणी बन में दिया गया है कितने किस मतलब कैटेगरी में कितने पद हैं दोस्तों, वो यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों, आपकी अस्थायी भर्ती है। अगर दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है किन्हें यहाँ पर जो है छूट मिलेगी, दिव्यांग जन जितने भी होंगे किन्हें छूट मिलेगी, ये यहाँ पर जानकारी दी गई, आप लोग देख सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे विभाग का नाम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से ये नोटिस रिलीज किया गया है। दोस्तों, 3 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, 3 अगस्त से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अर्हताएँ दी गई हैं, मतलब क्या क्या अर्हताएँ हैं, तो सिंपली यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में विधि में स्थापित विश्वविद्यालय एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान, मतलब यहाँ पर बीए वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। दोस्तों, जिन्होंने भी यहाँ पर बीए कर रखा है, ग्रेजुएशन मतलब कर रखा है, वही यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो 21 से 40 तक यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। 1 जुलाई 2022 को जिसकी भी एज यहाँ पर 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो दोस्तों यहाँ पर इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर चयन का आधार दिया गया है, आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे भी यहाँ पर परीक्षा योजन एवं पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जो लिखित चयन हेतु लिखित परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर यथावत समय से यहाँ पर जो है प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो भी यहाँ पर कैटागरी वाइज, यहाँ पर एक कैटागरी वाइज मतलब जैसे ओबीसी में जितने पद होंगे उनके पदों के हिसाब से यहाँ पर 15 गुने कैंडिडेट शॉर्ट किए जाएंगे, जो कि पेट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, वो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह दिए गए थे, मैंने चेक किया था तो यहाँ पर दिया गया था बहुत सारे फॉर्म दिए गए थे फिल करने के लिए। ये दोस्तों जिन्हें जिस फॉर्म की ज़रूरत है वो अपने हिसाब से भरेंगे। और दोस्तों, यही आपकी पूरी जानकारी थी। तो दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।